तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से एक और मुकाबले में, जहाँ पे मुंबई कैप टाउन वर्सेस पार्ल रॉयल्स के बीच में पहला साउथ अफ्रीकन टी20 लीग का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। बल्लेबाजी कर रही है पार्ल रॉयल्स, जहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए 8.5 ओवर के खेल के बाद पार्ल रॉयल्स ने बना लिए हैं 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8.5 ओवर खेल के बाद आखिरी गेंद जॉनसन के द्वारा इस गेंद को खेल दिया है विलास ने स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। पीछे फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई 9 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स का स्कोर हो चुका है 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। माफ कीजिए, आखिरी गेंद बाकी है तो स्ट्राइक पर आ गए हैं अब जोश बटलर, जो कि 31 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 26 गेंदों में जोश बटलर 8.5 ओवर का खेल हो चुका है, 56 रन स्कोर है रॉयल्स का 2 विकेट के नुकसान पर। बात करें इस मुकाबले की तो टॉस जीता था मुंबई केप टाउन ने, और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला किया था। गेंदबाजी का फैसला करने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे थे बटलर के साथ में विहान लुबे, जो कि 3 रन बना करके आउट हो गए। 8 गेंदों में जोफ्रा आर्चर ने उनको आउट किया था। दूसरा विकेट गिरा जैसन रॉय का, दुआन जैनसन ने उनको आउट किया था। राशिद खान ने उनका कैच पकड़ा था। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार ऑप्शन के काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद, अंपायर ने यहाँ पे वाइड का इशारा किया नहीं है, काफ़ी करीबी मामला हो सकता था। इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई 9 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स का स्कोर है 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 27 गेंदों में 31 रन बनाए हैं जोश बटलर ने। पहला मुकाबला है इस लीग का, साउथ अफ्रीकन टी20 लीग है, जहाँ पे रॉयल्स के बीच और पार्ल वहीं पे एमआई केप टाउन के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। करंट रन रेट की बात की जाए रॉयल्स की तो 6.22 की है। जितने भी दर्शक जुड़े दोस्तों, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। पहला मुकाबला इस लीग का, साउथ अफ्रीकन टी20 लीग का ये पहला मुकाबला है, जहाँ पे एमआई केप टाउन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरे रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज विहान लुबे, साथ में थे जोश बटलर। बटलर अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। वहीं पे 2 विकेट गंवा दिए रॉयल्स ने। पहला विकेट गंवाया था विहान लुबे का, दूसरा विकेट गंवाया है जैसन रॉय का। और 2 विकेट के बाद 9 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स का स्कोर है 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगर बात की जाए इस मुकाबले की दोस्तों, तो जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं पार्ल रॉयल्स की तरफ से, अगर उनकी बात की जाए तो खेलने वाले खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो बल्लेबाज हैं विहान लुबे, जोश बटलर, जैसन रॉय, डैन विलास। आने वाले बल्लेबाज हैं इयन मॉर्गन, कप्तान डेविड मिलर, फैरसिको एडम्स, बिजोन फोर्टिन, रैमन साइमंस, ओडी यूसुफ और आखिरी खिलाड़ी है ताबरैज शम्सी। तो ये 11 खिलाड़ी हैं जो रॉयल्स की तरफ से खेल रहे हैं। अगला ओवर डालने के लिए आए हैं। स्टोन पहली गेंद को पॉइंट की तरफ खेला है विलास ने, वहाँ पे फील्डर मौजूद है, रन मिलेगा नहीं। 10वें ओवर की पहली गेंद रहेगी डॉट बॉल। ओली स्टोन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज हैं। अगली गेंद सामना करेंगे इस बार बल्लेबाज डेन विलास। बार एक ऑली स्टोन की मिडल स्टंप उखाड़ के फेंक दिया है ऑली स्टोन ने। डैन विलास का तीसरा झटका लगता हुआ रॉयल्स की टीम को। 56 रन के स्कोर पर तीसरा विकेट गवा दिया है रॉयल्स की टीम ने। बोल्ड कर दिया है ऑली स्टोन ने डैन विलास को। 6 रन बना करके आउट हो गए हैं 7 गेंदों में डैन विलास। एकमात्र बल्लेबाज जो कि लगातार दूसरे छोर से टिके हुए हैं वो हैं जोश बटलर। अब आने वाले बल्लेबाज रहेंगे इयन मॉर्गन। रॉयल्स की तरफ से वहीं पे डेविड मिलर भी मौजूद है जो कि कप्तान है इस टीम के। देखने को वो बल्लेबाजी करने उतरते हैं या फिर कोई और बल्लेबाज आएंगे। इयन मॉर्गन भी मौजूद है, बाएं हाथ के बल्लेबाज है दोनों ही, इयन मॉर्गन और डेविड मिलर की बात की जाए तो। और ये पहला मुकाबला है इस श्रृंखला का, इस लीग का। आने वाले बल्लेबाज हैं डेविड मिलर, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, कप्तान है रॉयल्स की टीम के। उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर। देखना होगा यहाँ से कितने रनों तक पहुँच पाती है रॉयल्स की टीम। कप्तान खुद उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पिछली गेंद पर बोल्ड कर दिया डैन विलास को ऑली स्टोन ने। पहला ओवर डाल रहे हैं अपना ऑली स्टोन, दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसको पॉइंट की तरफ कट किया था, रन मिला नहीं। दूसरी गेंद मिडल स्टंप पे फुलर लेंथ की गेंद थी और मिडल स्टंप उखाड़ के फेंक दिया वहाँ पे डैन विलास का। अब अगली गेंद इस ओवर की डालने के लिए दौड़ लगाते हुए ऑली स्टोन, इस बार मिलर के लिए गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली और बल्लेबाज को छकाती हुई चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 9.3 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स का स्कोर 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहला मुकाबला है इस लीग का, जहाँ पे कप्तान है रॉयल्स के डेविड मिलर, वहीं पे एमआई केप टाउन के कप्तान हैं राशिद खान। अगली गेंद इस ओवर की मिलर के लिए, इस बार ये गेंद अंदरूनी किनारा लेने के बाद चली गई है स्क्वायर लेग की तरफ। विकेट कीपर खुद दौड़ के गए हैं इस गेंद को उठाने के लिए, तब तक वो उठा करके थ्रो करेंगे। इस बीच एक रन दौड़ लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने और स्ट्राइक पर आ जाएंगे अब डेविड मिलर। इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए मिलर की बात करें तो 31 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 27 गेंदों का सामना करने के बाद। 9.4 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स का स्कोर है 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज मौजूद है एम आई केप टाउन के पास, जो कि IPL में मुंबई इंडियंस की टीम में भी खेलते हैं। वहीं पे MI ने इस लीग में भी अपने पास रखा है जोफ्रा आर्चर को। अगली गेंद ऑली स्टोन डालने के लिए दौड़ लगाते हुए, इस बार स्लोअर गेंद थी जिसको स्क्वायर लेग की तरफ मोड़ दिया है। तो उस बटला ने एक रन तेजी के साथ दौड़ लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, जब तक वहाँ पे फील्डर इस गेंद को थ्रो करते। इस एक रन के बाद स्कोर हो गया 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 9.5 ओवर के खेल के बाद 28 गेंदों में 32 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जोश बटलर। बात की जाए अगर बटलर की यहाँ पे, तो अभी तक इन 32 रनों की पारियों में, इस 32 रनों की पारी में बटलर ने 4 चौके और 1 छक्का लगाया है, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिर रहे हैं, जिसके चलते मात्र 5.8 की स्ट्राइक रेट है रॉयल्स की टीम की। अगली गेंद इस बार, इस गेंद को मारना चाहते थे ऑन साइड में डेविड मिलर, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली मिलर के लिए और छोड़कर उनको चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ 10वें ओवर की समाप्ति होती हुई 10 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स का स्कोर है 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और काफ़ी मुश्किल पिच नज़र आ रही है बल्लेबाजी के लिए, जिस तरह से गेंद लगातार अपना कांटा बदल रही है, मदद मिल रही है गेंदबाजों को। अब 60 गेंदों का खेल बचा है इस मुकाबले में, कितने और रन जुटा पाएगी आने वाली 60 गेंदों में रॉयल्स की टीम, जहाँ पे बटलर और डेविड मिलर क्रीज पर मौजूद है। आने वाले बल्लेबाज रहेंगे इयन मॉर्गन। अगर उनके अलावा बात की जाए तो आने वाले बल्लेबाज रहेंगे एडम्स, बिजॉन, रेमन साइमंड्स, कोडी यूसुफ और आखिरी बल्लेबाज होने वाले हैं ताबरैज़ शम्सी। बात करें वहीं पे MI केप टाउन की तरफ से गेंदबाजी की तो जॉर्ज लिंडे ने अभी तक 2 ओवर डाले हैं 17 रन दिए हैं। सैम करन ने 1 ओवर डाला है 1 रन दिया है। वहीं पे जोफ्रा आर्चर ने 2 ओवर डाले हैं, 1 ओवर मेडन डाला है, 13 रन दिए और 1 सफलता अपने नाम की है। राशिद खान ने 2 ओवर डाले हैं 15 रन दिए हैं, कोई भी सफलता उनको मिली नहीं है। अगला ओवर डालने के लिए आ गए हैं सैम करन। पहली गेंद को खेलकर कवर की दिशा में 1 रन दौड़ लिया है जोस बटलर ने। इस 1 रन के बाद स्कोर हो गया है रॉयल्स का 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरी गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर आ गए हैं डेविड मिलर। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ से डेविड मिलर करने वाले हैं। सैम करन अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं, पहले ओवर में मात्र 1 रन दिया था, अब दूसरी गेंद डालेंगे इस ओवर की। पहला मुकाबला खेला जा रहा है साउथ अफ्रीकन टी20 लीग का, जहाँ पे भारतीय फ्रेंचाइज ही इन टीमों की ओनर है। राजस्थान रॉयल्स के ओनर है पार्ल रॉयल्स के, वहीं पे मुंबई इंडियंस के ओनर है MI केप टाउन टीम के, जहाँ पे इन दोनों ही टीमों के बीच में ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है। दूसरी गेंद इस ओवर की डालने के लिए दौड़ लगाते हुए सैम करन, इस बार ये गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई मिलर के लिए, इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला जहाँ पे फील्डर मौजूद है, रन मिलेगा नहीं। पहला मुकाबला है ये जो कि केप टाउन के ग्राउंड पर खेला जा रहा है। दस दशमलव 2 ओवर के खेल के बाद स्कोर 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद इस ओवर की डालने के लिए दौड़ लगाते हुए सैम करन मिलर के लिए, इस बार छोटी गेंद को पुल कर दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, पीछे फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के बाद स्कोर हो जाएगा बढ़कर 60 रन रॉयल्स की टीम का। 10.3 ओवर के खेल के बाद मिलर पहुंच गए हैं 2 रन पर 5 गेंदों में, वहीं पे जोश बटलर ने बना लिए हैं 33 रन 29 गेंदों में। इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ गए हैं। गेंद इस ओवर की डालने के लिए दौड़ लगाते हुए सैम करन, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर स्लोवर गेंद थी जिसको कवर के क्षेत्र में खेल दिया हल्के हाथों से जोश बटलर ने। 1 रन दौड़ लेंगे इस बीच दोनों ही बल्लेबाज, जबकि जब तक कवर के फील्डर इस गेंद को उठा करके थ्रो करेंगे। इस 1 रन के बाद स्कोर हो गया 61 3 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों में 34 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं जोश बटलर। सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे थे और अभी तक एक छोर पे डटे हुए हैं, वहीं पे दूसरे छोर से लगातार विकटें गिर रहे हैं, जिसके चलते मात्र 61 रन ही बना पाई है 10.4 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स की टीम। मिलर आ गए हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए, स्ट्राइक पर 2 रन बनाए हैं 5 गेंदों में। इस ओवर की 5वीं गेंद का करेंगे सामना, अवर द विकेट ये गेंद, इस बार स्लोवर गेंद जिसको हल्के हाथों से कवर की दिशा में खेलकर 1 रन तेजी के साथ दौड़ गए हैं। वहाँ पे फील्डर मौजूद थे, अगर डायरेक्ट थ्रो लग जाता तो रन आउट का चांस बन सकता था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित पहुंच गए हैं और तेज गति से 1 रन भी पूरा कर लिया है। 62 रन हो गया स्कोर इस सिंगल के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की बची है, सामना करने के लिए स्ट्राइक पर आ गए हैं जोश बटलर, जो कि 34 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ से कम 150 रन तो बनाने होंगे इस ओवर के बाद, मात्र 9 ओवर का खेल बच जाएगा इस मुकाबले की पहली पारी का। आखिरी गेंद डालने के लिए एक बार फिर से तैयार अपने रनर पर सैम करन, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। इस बार सैम की ये गेंद, इस गेंद को फेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन दौड़ लिया है तेजी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इसी के साथ 11वें ओवर की समाप्ति होती हुई 11 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स का स्कोर है 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगले ओवर की पहली गेंद पर भी स्ट्राइक पर रहेंगे जोश बटलर। देखना होगा कौन से गेंदबाज आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। इससे पहले ओवर डाला था ओली स्टोन ने, जहां पे उन्होंने बोल्ड कर दिया था डैन विलास को, मिडिल स्टंप फाड़ के फेंक दिया था अपने पहले ही ओवर में। अब देखना होगा एक बार फिर से उनसे ही गेंदबाजी कराई जाती है या फिर किसी और गेंदबाज को बुलाया जाएगा। ओली स्टोन, जो कि दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज है, पहले ओवर में बड़ा विकेट निकाला, डेन विलास को बोल्ड कर दिया था उन्होंने आते ही। शिवनाथ मुंडा, स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी दर्शक जुड़े हैं दोस्तों, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, नहीं किया तो अभी तक, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगला ओवर डालने के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं ओली स्टोन। पहली गेंद लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा कर देंगे अंपायर। इस वाइड के साथ 1 और रन का इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर में। स्कोर हो गया है बढ़कर 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिए 64 रन हो गया इस वाइड के बाद। रॉयल्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद। अब दोबारा से डालनी होगी 12वें ओवर की पहली गेंद ओली स्टोन को। पहला ये मुकाबला है इस श्रृंखला का, इस लीग का, साउथ अफ्रीका टी20 ये लीग है। अगली गेंद इस बार, इस गेंद को फेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र, मिड ऑन पे खड़े फील्डर से मिसफील्ड होती हुई, जिसके चलते गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार चौका इस बार निकला है बटलर के बल्ले से। इन 4 रनों के बाद स्कोर हो गया है 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर रॉयल्स की टीम का। फुलर लेंथ की गेंद थी, फुलर लेंथ की गेंद को खेला मिड ऑन की तरफ बटलर ने, मिड ऑन पे खड़े फील्डर से मिसफील्ड हुई और मिसफील्ड के चलते ये गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। उन 4 रनों के बाद स्कोर हो गया 68 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए एक बार फिर से तैयार अपने रनअप पर ओली स्टोन इस बार ये गेंद फिर से बढ़िया गेंद डाली है, यूवर्कर लेंथ की गेंद थी, खेल दिया इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में, वहाँ पे फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा, एक रन के बाद स्कोर हो जाएगा बढ़कर अब 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 33 गेंदों में 40 रनों पर पहुंच गए हैं जोश बटलर। वहीं पर डेविड मिलर जो कि 3 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 6 गेंदों का सामना करने के बाद। इस ओवर की अगली गेंद पर है स्ट्राइक पर, अभी तक इस ओवर में 2 गेंदें हुई है, 6 रन आ चुके हैं, तो बड़ा ओवर चाहिए यहाँ पर रॉयल्स की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने के लिए। कम से कम 150 रन तो यहाँ से बनाने ही चाहिए, जिस तरह की बल्लेबाजी है रॉयल्स की, गेंदबाजी काफ़ी कमज़ोर है। वहीं पे बात करें एमआई की टीम की तो उनकी बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत है, वहीं पे गेंदबाजी तो और भी ज़्यादा मजबूत है एमआई की टीम की। अगली गेंद इस बार सीधा गेंदबाज की तरफ खेला, इस गेंद को अपने ही फॉलो थ्रू में इस गेंद को रोक लिया है। ओली स्टोन ने एक बेहतरीन ड्राइव लगाया था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए डेविड मिलर। तीसरी गेंद रहेगी डॉट बॉल इस ओवर की। 11.3 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स का स्कोर है 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एमआई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया इस मुकाबले में। अब अगली गेंद इस ओवर की डालने के लिए दौड़ लगाते हुए ओली स्टोन इस बार इस गेंद को उठा करके मार दिया है गेंदबाज के सर के ऊपर से, एक टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार चौका इस ओवर की 4थी गेंद पर निकलता हुआ डेविड मिलर के बल्ले से, जिसके बाद अब स्कोर हो गया बढ़कर रॉयल्स की टीम का 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 11.4 ओवर के खेल के बाद ओली स्टोन ने पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी और 1 विकेट भी निकाला था, लेकिन इस ओवर में काफ़ी महंगे साबित होते हुए अभी तक बात करें तो 10 रन आ चुके हैं पहली 4 गेंदों में। अब अगली गेंद डालने के लिए एक बार फिर से तैयार, 5वीं गेंद डालेंगे 12वें ओवर की। सामने है डेविड मिलर जो कि 7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 8 गेंदों में। इस बार ये गेंद पुलर लेंथ की गेंद को एक बार फिर से गेंदबाज के सर के ऊपर से उठा करके मार दिया है, गेंद एक बार फिर से चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ पे डेविड मिलर के बल्ले से, इन 4 रनों के बाद अब स्कोर हो गया बढ़कर 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 11.5 ओवर के खेल के बाद। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे डेविड मिलर और जोश बटलर। इस ओवर में 3 बाउंड्री अभी तक लगा चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। पहली बाउंड्री लगाई थी जोश बटलर ने, अब पिछली 2 गेंदों पर 2 बैक-टू-बैक बाउंड्री निकली है डेविड मिलर के बल्ले से। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की, डालने के लिए एक बार फिर से तैयार, ओवर द विकेट। सामने है डेविड मिलर, इस बार ओली स्टोन की गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा करेंगे अंपायर, एक और रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के बाद स्कोर हो जाएगा बढ़कर 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रॉयल्स का स्कोर अभी तक 5 अतिरिक्त रन मिले हैं इस मुकाबले में रॉयल्स की टीम को। 11.5 ओवर का खेल हो चुका है, 78 रन स्कोर है। इससे पहले जो रन रेट 6 से भी नीचे थी अब वो बढ़कर हो गई है 6.59 की। बड़ा ओवर यहाँ पे आता हुआ, पिछले ओवर में 5 रन आए थे, उससे पहले 2 रन आए थे, काफ़ी धीमी बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन इस ओवर में अब अपने हाथ खोले हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। अगली गेंद इस बार छोटी गेंद थी, पुल कर दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद एक बार फिर से जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 4 चौके इस ओवर से निकले हैं। बात करें तो 19 रन इस ओवर में आए हैं, 10 गेंदों में 15 रनों पर पहुंच गए डेविड मिलर। वहीं पे जोश बटलर ने बनाए हैं 40 रन 33 गेंदों में। 12 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स का स्कोर 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कल एक और मुकाबला खेला जाएगा शाम 9 बजे, तो जरूर जुड़ेगा उस मुकाबले में। एक दूसरा मुकाबला खेला जाएगा कल इस लीग का। नीलेश राजक, स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी दर्शक जुड़े हैं दोस्तों, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अगर नहीं किया तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। 12 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स की टीम ने बना ली है 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर डालने के लिए आए हैं राशिद खान, पहली गेंद डालेंगे बटलर के सामने। बटलर ने इस गेंद को उठा करके मार दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, पीछे फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। सिंगल के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई है। जोश बटलर के सामने थे गेंदबाज राशिद खान। बड़ा यहाँ पे मुकाबला चलता हुआ बटलर और राशिद खान के बीच में। पहली गेंद पर सिंगल निकाला है, अब स्ट्राइक पर आ गए हैं डेविड मिलर। तो गेंदबाज भी काफ़ी तगड़े हैं, वहीं पे बल्लेबाज भी दोनों ही छोर पे ज़बरदस्त मौजूद डेविड मिलर और साथ में जोश बटलर। वहीं पे गेंदबाजी की बात की जाए एमआई की टीम की तरफ से तो जोफ्रा आर्चर, राशिद खान, सैम करन जैसे बड़े गेंदबाज है, दिग्गज गेंदबाज मौजूद इस टीम में। अगली गेंद इस बार गुगली गेंद डाली, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, जिसको खेल दिया है गेंदबाज की तरफ डेविड मिलर ने। रन मिलेगा नहीं, डॉट बॉल रहेगी इस ओवर की दूसरी गेंद। 12.2 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद इस ओवर की डालने के लिए एक बार फिर से दौड़ लगाते हुए राशिद खान इस बार इस गेंद को फेल दिया है कवर की दिशा में। इस बार भी गुगली गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली थी, जिसको कवर की दिशा में खेलकर 1 रन दौड़ लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर हो गया बढ़कर 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर के खेल के बाद। 2 रन आए हैं पहली 3 गेंदों में इस ओवर में। पहले 2 ओवर में 15 रन दिए थे राशिद खान ने। 3 गेंदें इस ओवर की डाल चुके हैं। अब चौथी गेंद डालेंगे, सामना करेंगे जोश बटलर। इस बार बटलर के लिए गेंद, बटलर ने इस गेंद को फेंक दिया है कवर की दिशा में। 1 रन इस बार भी मिल जाएगा आसानी के साथ। स्कोर हो जाएगा बढ़कर 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड मिलर आ गए स्ट्राइक पर, जो कि 16 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 12 गेंदों में। पिछले ओवर में काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की डेविड मिलर और जोश बटलर ने, 4 बाउंड्री जड़ी उस ओवर में। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में डेविड मिलर ने। 1 रन इस बार भी मिल जाएगा। स्कोर हो जाएगा बढ़कर, माफ कीजिए, डॉट बॉल रही इस ओवर की। मिड ऑफ पर खड़े फील्डर ने इस गेंद को रोक लिया, तो 5वीं गेंद रही डॉट बॉल 13वें ओवर की। स्कोर अभी भी 85 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज इस टीम में मौजूद, राशिद खान, सैम करन, तो बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज इस टीम में मौजूद हैं मुंबई एमआई केप टाउन की टीम में। वहीं पे रॉयल्स की टीम में बल्लेबाजों की बात करें तो डेविड मिलर, जैसन रॉय, जोश बटलर जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज मौजूद है, जहां पे अब बल्लेबाजी भी कर रही है रॉयल्स की टीम। आखिरी गेंद थी इस ओवर की, जिसपे रिवर्स स्वीप खेलते हुए कवर के क्षेत्र, पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन दौड़ लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। 13 ओवर के खेल के बाद स्कोर है रॉयल्स की टीम का 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट की बात की जाए तो 6.62 की है। एमआई केप टाउन की टीम ने टॉस जीता था इस मुकाबले में, और टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अभी तक 3 ओवर की गेंदबाजी की है राशिद खान ने, 19 रन दिए हैं। वहीं पे बात की जाए बाकी गेंदबाजों की तो 2 ओवर डाले हैं सैम करन ने 2 ओवर में दिए हैं 6 रन। 2 ओवर डाले हैं जोफ्रा आर्चर ने, 2 ओवर में 1 ओवर मैडन डाला है, 13 रन दिए हैं और एक सफलता भी अपने नाम की है। 2 ओवर डाले हैं जॉर्ज लिंडे ने, 17 रन दिए हैं। वहीं पे 2 ओवर डाले हैं दुआन जैनसन ने, जो कि साउथ अफ्रीकन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, उन्होंने दिए हैं 2 ओवर में 10 रन और एक सफलता अपने नाम की है। ओली स्टोन ने भी 2 ओवर डाले हैं, 21 रन दिए हैं और एक सफलता उन्होंने भी अपने नाम की है। अब बुलाया गया है जोफ्रा आर्चर को गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद डालेंगे 14वें ओवर की, सामने हैं उनके डेविड मिलर ने पहली गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है और 1 रन दौड़ लिया है। इस 1 रन के बाद स्कोर हो गया बढ़कर 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जोफ्रा आर्चर काफ़ी लंबे समय के बाद वापसी की है क्रिकेट में, चोट के चलते लगातार बाहर थे। दो 1.1 ओवर की गेंदबाजी की है जोफ्रा आर्चर ने, 14 रन दिए और एक सफलता भी अपने नाम की है। अब दूसरी गेंद उनके इस 3रे ओवर की, सामना करेंगे जोश बटलर। इस बार इस गेंद को बटलर ने खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, पुल करते हुए 1 रन इस बार भी मिल जाएगा और इस 1 रन के बाद स्कोर हो जाएगा बढ़कर 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर आ गए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड मिलर, जो कि 18 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 15 गेंदों का सामना करने के बाद। इस ओवर की तीसरी गेंद का करेंगे सामना। जितने भी दर्शक जुड़े हैं दोस्तों, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले मुकाबलों में भी इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। अगली गेंद इस ओवर की डालने के लिए दौड़ लगाते हुए जोफ्रा आर्चर ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सिद्धार्थ गुप्ता स्वागत है आपका, सचिन आपका भी स्वागत है, वहीं पे विजय कुमार रेड्डी आपका भी स्वागत है। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार इस गेंद को उठा करके मारने का प्रयास किया, गेंद हवा में काफ़ी ऊपर चली गई है। एक और यहाँ पे कैच ड्रॉप होता हुआ मौका मिल गया है, जीवन दान मिल गया है यहाँ पे डेविड मिलर को, और 2 रन भी दौड़ लिए इस बार दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के बाद स्कोर हो गया है 90 रन 3 विकेट के नुकसान पर 13.3 ओवर खेल के बाद। लेकिन अब यहाँ पे अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया है, तो एक और रन मिल गया है, यहाँ पे 3 रन हो जाएंगे अब यहाँ पे टोटल, तो 91 रन हो गया स्कोर। लेकिन यहाँ पे थर्ड एम्पायर ने चेक किया तो नो बॉल है नहीं। ऑन फील्ड एम्पायर का ऐसा थोड़ा मानना था कि शायद नो बॉल है तो उन्होंने रोका था गेंदबाज को, लेकिन अब नो बॉल नहीं है। तो अगली गेंद डालने के लिए अब दौड़ लगाते हुए, जो कि पिछली गेंद नो बॉल नहीं थी, तो चौथी गेंद डालेंगे इस ओवर की। इस बार इस गेंद को खेल दिया थर्ड मैन के क्षेत्र में, बल्लेबाज ने 1 रन दौड़ लेंगे। अब इस बार भी बल्लेबाज स्कोर हो जाएगा बढ़कर 92 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। क्रीट था जिसपे 2 रन दौड़े थे। अगली गेंद इस ओवर की इस बार मारना चाहते थे फाइन लेग के क्षेत्र में, बाहरी किनारा लेने के बाद गेंद चली गई है थर्ड मैन के क्षेत्र में, सी मारे के बाहर 4 रनों के लिए। जोश बटलर थे स्ट्राइक पर, छोटी गेंद थी, मारना चाहते थे स्कूप शॉट फाइन लेग के क्षेत्र में, लेकिन बल्ले के पिछले हिस्से पर लगने के बाद गेंद चली गई थर्ड मैन की दिशा में, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के बाद स्कोर हो गया है 96 रन रॉयल्स की टीम का, 3 विकेट के नुकसान पर। जो रन रेट है एक समय पिछले 2 ओवर पहले 6 से भी नीचे थी, अब वो 7 से ऊपर हो गई है बढ़कर के 7.02 की रन रेट हो गई है इन 4 रनों के बाद। वहीं पर जोश बटलर पहुँच गए 47 रनों पर 37 गेंदों में। महरूफ हसन आपका भी स्वागत है। इनका मानना है कि 150 से ज़्यादा रन बनेंगे, जो कि काफ़ी मुश्किल लग रहा है जिस तरह की गेंदबाजी है एमआई के पास। अगली गेंद इस ओवर की इस बार, इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया है मिड ऑफ की तरफ। मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद है, लेकिन तेजी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए 1 रन पूरा कर लिया है। इस 1 रन के बाद स्कोर हो गया बढ़कर 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगर ये दोनों बल्लेबाज टिके रहेंगे आखिरी ओवर तक तो 150 रन फिर तो आराम से बना लेंगी रॉयल्स की टीम। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गेंदबाजी है एमआई की टीम के। बात करें तो राशिद खान, जोफ्रा आर्चर, सैम करन जैसे गेंदबाज इनके पास मौजूद है। वहीं पे दुआन जैनसन भी इनके पास मौजूद है, साउथ अफ्रीकन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। अगली गेंद इस बार उछलते हुए इस गेंद को बैकफुट पर इंतजार करते हुए खेल दिया है थर्ड मैन के क्षेत्र में, मिलर ने 1 रन मिल जाएगा। और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई 14 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स का स्कोर 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगले ओवर की पहली गेंद पर भी स्ट्राइक पर रहेंगे डेविड मिलर, जो कि 22 रन बना करके खेल रहे हैं 18 गेंदों में। और अगर आप लोगों को ये लाइव मुकाबला देखना है तो स्पोर्ट्स 18 चैनल पे ये लीग के सभी मुकाबले लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग जाकर के देख सकते हो टीवी पर। स्पोर्ट्स 18 पहला मुकाबला है इस लीग का, जहाँ पे 6 टीम है इस लीग में, और 6 की 6 जो टीमें हैं उनके ओनर जो आईपीएल की टीम के ओनर है वही हैं, और नाम भी लगभग सेम है। राजस्थान के रॉयल्स की टीम के जो ओनर है उनकी टीम है पार्ल रॉयल्स। अगला ओवर डालने के लिए आए हैं बाएं हाथ के गेंदबाज दुआन जैनसन। पहली गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, डेविड मिलर ने 1 रन दौड़ लेंगे आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज। इसके बाद अब स्कोर हो गया बढ़कर इस 1 रन के बाद 99 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं दुआन जैनसन की बात करें तो, काफ़ी बढ़िया गेंदबाज है। साउथ अफ्रीकन लंबे कद के हैं, 6 फुट से ज़्यादा इनकी हाइट, बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज हैं, तो काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी है यहाँ पे। गोपाल कुशावा आपका भी स्वागत है, उगम देवी आपका भी स्वागत है, वहीं पे मनीलाल मीना आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद बटलर के लिए, जैनसन की इस बार इस गेंद को खेल दिया है पॉइंट के कवर की दिशा में, 1 रन इस बार भी दौड़ लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। और इस 1 रन के बाद स्कोर पूरा बढ़कर होता हुआ 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर 14.2 ओवर के खेल के बाद। एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ गए हैं डेविड मिलर, जो कि 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 19 गेंदों का सामना करने के बाद। डालने के लिए दौड़ लगाते हुए जैनसन, मिलर के लिए इस बार मिलर ने कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया, अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद पैड पे लगी है और चली गई है थर्ड मैन की दिशा में। इस बीच 1 रन दौड़ लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के बाद अब स्कोर हो गया बढ़कर 101 रन 3 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर के खेल के बाद। स्ट्राइक पर आ गए हैं जोश बटलर, जो कि 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से। शीतल मीना स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हेलो। गोपाल कुशवाहा आपका भी स्वागत है। अगली गेंद इस ओवर की डालने के लिए दौड़ लगाते हुए चौथी गेंद होगी, सामने है बटलर। इस बार जैनसन की ये गेंद बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया, टॉपेज लगने के बाद गेंद चली गई हवा में काफी ऊपर विकेट कीपर के पीछे। फाइन लेग की तरफ से दौड़ के आए फील्डर ओली स्टोन ने इस गेंद को उठाया है और थ्रो किया। इस बीच एक रन दौड़ लिया आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस एक रन के बाद स्कोर हो गया बढ़कर 102 रन और अपने 50 रन भी पूरे कर लिए हैं जोश बटलर ने। 40 गेंदों में शानदार शुरुआत। इस लीग की पहले मुकाबले में जोश बटलर के बल्ले से 50 रनों की पारी निकलती हुई और अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं। अगर 20 ओवर तक ये बल्लेबाज यहाँ पे जोश बटलर रुकता है तो फिर 150 से ऊपर का स्कोर बनता हुआ नजर आएगा। रॉयल्स की टीम का अगली गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर आ गए हैं डेविड मिलर। जैनसन की ये गेंद मिलर के लिए। इस बार इस गेंद को उठा करके मारा है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। वहाँ पे फील्डर मौजूद है। दो टप्पे खाने के बाद जोफ्रा आर्चर के हाथों में पहुंची ये गेंद। इस बीच एक रन आसानी के साथ दौड़ते हुए पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस एक रन के बाद स्कोर हो गया 103 रन 3 विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर के खेल के बाद। आखिरी गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर आ गए हैं जोश बटलर। थोड़ा सा मुश्किल है, जिस तरह की ये पीछे बल्लेबाजी करना आसान नहीं है, गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है। तो हाई स्कोरिंग मुकाबला तो यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं, पहला ये मुकाबला इस श्रृंखला का, इस लीग का। अगली गेंद इस ओवर की। इस बार रिवर्स स्वीप खेलते हुए इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला है। पॉइंट पे फील्डर मौजूद, सीधा गेंद उस फील्डर के पास पहुंची है, रन मिलेगा नहीं। इसी के साथ 15वें ओवर की समाप्ति होती हुई। 15 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स का स्कोर 104 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी की 30 गेंदें बची है इस पारी की। अगले ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर रहेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड मिलर, जो कि 25 रन बना करके खेल रहे हैं 21 गेंदों में। वहीं पे बात की जाए तो दुआन जेनसन ने 3 ओवर की गेंदबाजी करके 16 रन दिए हैं और एक सफलता भी अपने नाम की है। बेहतरीन गेंदबाजी उनके द्वारा रही है। आने वाले बल्लेबाज की बात करें तो इयन मॉर्गन, एडम्स, बिजॉन, साइमंड्स, कोडी यूसुफ और आखिरी बल्लेबाज है ताबरेज शम्सी। ये आने वाले खिलाड़ी हैं बल्लेबाजी में रॉयल्स की तरफ से। वहीं पे अगला ओवर डालने के लिए आए हैं ओली स्टोन। पहली गेंद डालेंगे, फुल टॉस गेंद और बोल्ड कर दिया है जोश बटलर को ओली स्टोन ने। फुल टॉस गेंद पे बोल्ड हो गए हैं जोश बटलर। स्कूप शॉट मारने का प्रयास किया था, फुल टॉस गेंद थी, सीधा मिडिल स्टंप पे जाके लगी है और बोल्ड कर दिया यहाँ पे ओली स्टोन ने जोश बटलर को। बड़ा विकेट गिरता हुआ रॉयल्स की टीम का 104 रन के स्कोर पर चौथा विकेट गिरा है। 42 गेंदों में 51 रन बना करके आउट हो गए हैं जोश बटलर। तो आप लोगों को बता दें एमआई केप टाउन की टीम ने टॉस जीता था। इस मुकाबले में टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गेंदबाजी करते हुए 15.1 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स की टीम के मात्र 104 ही रन बनने दिए हैं और 4 विकेट निकाली हैं। अगले बल्लेबाज आ रहे हैं इयन मॉर्गन, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। इयन मॉर्गन की बात करें तो दोनों ही छोर पर अब बाएं हाथ के बल्लेबाज मौजूद है रॉयल्स की टीम की तरफ से। ओली स्टोन ने 2.1 ओवर की गेंदबाजी की है, 21 रन दिए और 2 सफलता अपने नाम कर चुके हैं। पिछला जो विकेट निकाला वो निकाला जोश बटलर का। फुल टॉस गेंद पे बोल्ड कर दिया। अब देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ से रहने वाली है। आने वाली 29 गेंदों में 6.86 की करंट रन रेट है। बात करें रॉयल्स की टीम की, अगर बात की जाए अभी तक फिलहाल जो गेंदबाजी रही है एमआई केप टाउन की टीम की तरफ से, तो 16 ओवर पारी के चल रहा है। अभी तक 2 ओवर डाले हैं जॉर्ज लिंडे ने, 2 ओवर में दिए 17 रन। 2 ओवर डाले हैं सैम करन ने, मात्र 6 रन दिए हैं। वहीं पर जोफ्रा आर्चर ने 3 ओवर डाले हैं, एक मेडिन ओवर डाला है, 25 रन दिए हैं और एक सफलता उन्होंने भी अपने नाम की है। 3 ओवर डाले हैं राशिद खान ने, 19 रन दिए हैं कोई भी सफलता उनको मिली नहीं है। दुआन जैनसन ने 3 ओवर डाले हैं, 16 रन दिए हैं और एक सफलता उन्होंने भी अपने नाम की है। वहीं पे ओली स्टोन जो कि अपना 3रा ओवर डाल रहे हैं, 2.1 ओवर की गेंदबाजी की है, 21 रन जरूर दिए उन्होंने लेकिन 2 सफलता भी अपने नाम की है। पिछले दोनों ही विकेट ओली स्टोन ने निकाले हैं। इससे पहले बोल्ड किया था डैन विलास को, मिडिल स्टंप उनका उखाड़ के फेंक दिया था। वहीं पे अब पिछली गेंद पर बोल्ड किया जोश बटलर को, फुल टॉस गेंद थी और उनका भी मिडिल स्टंप उखड़ गया। तो 2 विकेटें निकाली ओली स्टोन ने दोनों ही बोल्ड के रूप में। अगले बल्लेबाज आए इन मॉर्गन, उनके लिए गेंद लेफ्ट ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद ओली स्टोन की। वाइड का इशारा करेंगे एम्पायर। तो एक और रन का इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर में स्कोर हो गया बढ़कर 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस ओवर की डालने के लिए एक बार फिर से तैयार ओली स्टोन, सामने है इयन मॉर्गन। इस बार ये गेंद छोटी गेंद, फ्लोवर बाउंसर का प्रयोग किया इस बार गेंदबाज ने, पुल करने का प्रयास किया नहीं, जो इयन मॉर्गन ने जाने दिया इस गेंद को विकेटकीपर के पास। काफ़ी लंबे समय के बाद इयन मॉर्गन देखने को मिले हैं बल्लेबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज हैं इयन मॉर्गन की बात करें तो। अभी इस ओवर की 3री गेंद का करेंगे सामना। अगली गेंद इस ओवर की डालने के लिए जोर लगाते हुए ओली स्टोन इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया इयन मॉर्गन ने, लेकिन यूवर्कर बना बैठे अपने लिए कदमों का इस्तेमाल करने के बाद, जिसके चलते गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद चली गई गेंदबाज की तरफ। अपने ही फॉलो थ्रू में ओली स्टोन ने इस गेंद को पकड़ा है, रन मिलेगा नहीं। 3री गेंद भी रहेगी डॉट बॉल इस ओवर की। स्कोर अभी भी 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों का सामना कर चुके हैं इयन मॉर्गन, अभी तक रन उनके बल्ले से निकला है नहीं। अब अगली गेंद डालने के लिए एक बार फिर से तैयार अपने रनअप पर ओली स्टोन। इस बार इस गेंद फुलर लेंथ की गेंद को खेल दिया है कवर की दिशा में, लेकिन शॉर्ट कवर पर फील्डर मौजूद है, रन इस बार भी नहीं मिलेगा। 4थी गेंद भी रहेगी डॉट बॉल इस ओवर की। 15.4 ओवर के खेल के बाद स्कोर 105 रन रॉयल्स की टीम का 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस ओवर की डालने के लिए दौड़ लगाते हुए ओली स्टोन इस बार इस गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट की तरफ, अंदरूनी किनारा लगने के बाद विकेटों के पास से होती हुई ये गेंद चली गई है विकेटकीपर के दस्तानों में और एक और डॉट बॉल आती हुई। इस ओवर में अभी तक मात्र 1 रन आया है जो कि वाइड के रूप में मिला था। आखिरी गेंद बाकी है। करंट रन रेट जो एक समय 7 से ऊपर चली गई थी वो घट करके रह गई है 6.63 की। काफ़ी धीमी यहाँ पे शुरुआत रॉयल्स की टीम की पहले ही मुकाबले में। अगली गेंद इस ओवर की इस बार 20 गेंद को खेला है मिड ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद है मिड ऑफ पे, रन इस बार भी नहीं मिलेगा। डॉट बॉल के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई 16 ओवर के खेल के बाद स्कोर है रॉयल्स की टीम का 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर। टाइगर अलमीन आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जितने भी दर्शक जुड़े हैं दोस्तों लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, तो नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले मुकाबलों में भी आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 16 ओवर का खेल हो चुका है। ये पहला मुकाबला है साउथ अफ्रीकन T20 लीग का, जहाँ पर रॉयल्स और MI की टीम के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। MI केप टाउन की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल्स की टीम ने पहले 16 ओवर के खेल के बाद 105 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर डालने के लिए आए राशिद खान। पहली गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई मिलर के लिए, मिलर ने पीछे हट करके रूम बना करके अपने लिए इस गेंद को खेल दिया है कवर के क्षेत्र में जहाँ पे फील्डर मौजूद है। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के बाद स्कोर हो जाएगा बढ़कर 106 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद का सामना करने के लिए अब स्ट्राइक पर आ गए इयन मॉर्गन, जिन्होंने अभी तक 5 गेंदों का सामना किया है, कोई भी रन उनके बल्ले से निकला है नहीं। अब इस ओवर की 2री गेंद का करेंगे सामना। इस बार ये गेंद राशिद खान की, इसको रिवर्स स्वीप खेलते हुए खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से, पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं इस गेंद को पकड़ने के लिए। जब तक उस गेंद को उठा करके थ्रो करेंगे 2 रन दौड़ लेंगे दोनों ही बल्लेबाज आसानी के साथ। रिवर्स स्वीप जरूर लगाया था इस गेंद पर लेकिन कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थे इयन मॉर्गन। टॉप एज लगने के बाद गेंद हवा में चली गई और इस बीच 2 रन दौड़े दोनों ही बल्लेबाजों ने। 9 मैन एरिया में गिरी ये गेंद। 3री गेंद इस ओवर की डालेंगे राशिद खान। इस बार है इयन मॉर्गन एक बार स्ट्राइक पर, इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में इयन मॉर्गन ने। 1 रन इस बार भी मिल जाएगा। स्कोर हो जाएगा बढ़कर 109 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर के खेल के बाद। अगली गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर आगे हैं डेविड मिलर। आखिरी ओवर है ये राशिद खान का, अभी तक कोई सफलता मिली नहीं है राशिद खान को, मात्र 23 रन दिए 3.3 ओवर खेल गेंदबाजी के बाद। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, यॉर्कर लेंथ की लगभग ये गेंद थी, कवर के क्षेत्र में शानदार ड्राइव लगा दिया है, बल्ले के बीचों बीच लगी ये गेंद और लगने के बाद गोली की रफ्तार से निकली, चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार चौका इस ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर के बल्ले से निकला है। इन 4 रनों के बाद अब स्कोर हो गया है रॉयल्स की टीम का 113 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में 30 रन पर पहुंच गए हैं डेविड मिलर। अगली गेंद बटलर की, इस बार मिलर के लिए, इस गेंद को राशिद खान की तरफ धकेला है, मिलर ने अपने ही फॉलो थ्रू में इस गेंद को पकड़ लिया है राशिद खान ने, रन मिलेगा नहीं। अब आखिरी गेंद बची है इस ओवर की, 3.5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक राशिद खान ने की है, 27 रन दिए हैं, कोई भी विकेट उनको मिला नहीं है, इस ओवर में आ चुके हैं अभी तक 8 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस गेंद को खेल दिया है कवर की दिशा में, 1 रन मिल जाएगा, इस 1 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई। 17 ओवर के खेल के बाद स्कोर है रॉयल्स की टीम का 114 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, ओवर की पहली गेंद पर भी स्ट्राइक पर रहेंगे डेविड मिलर। बात करें डेविड मिलर की तो 31 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 25 गेंदों का सामना करने के बाद 3 ओवर का खेल बचा इस पारी का, कितने और रन जुटा पाती है यहाँ पे रॉयल्स की टीम देखना होगा। 114 रन बने, अगर आने वाले 3 ओवरों में 10 की रन रेट से भी रन बनाते हैं तो 144 तक ही पहुँच पाएगी, कम से कम 150 रन बनाने को देखेंगे यहाँ पे रॉयल्स के दोनों ही बल्लेबाज इयन मॉर्गन और डेविड मिलर। 150 तक अगर ये टीम पहुँच जाती है तो फिर काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा और एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है इन दोनों ही टीमों के बीच में। जहाँ पे बल्लेबाजी मजबूत है रॉयल्स की टीम की, वहीं पे एमआई की टीम की गेंदबाजी काफ़ी बेहतरीन है। अब अगला ओवर डालने के लिए एक बार फिर से बुलाया गया है सैम करन को, एक और बदलाव किया गया गेंदबाजी में। सैम करन ने अभी तक 2 ओवर की गेंदबाजी की है, मात्र 6 रन दिए हैं। अब अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद डालेंगे, सामना करेंगे उनका डेविड मिलर। पहली गेंद डालने के लिए ओवर द विकेट तैयार है, इस बार ये गेंद, उस गेंद खेल दिया है हल्के हाथों से, 1 रन मिल जाएगा। बात करें इस गेंद की तो फुलर लेंथ की गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, जिसको कवर की दिशा में खेला था, वाइड लॉन्ग ऑफ पे खड़े फील्डर ने अपने दाहिने तरफ दौड़ते हुए इस गेंद को उठा करके थ्रो किया, 1 रन दौड़ा है बल्लेबाजों ने। स्कोर हो गया 115 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 17.1 ओवर के खेल के बाद। इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर आगे हैं इयन मॉर्गन, जो कि 3 रन बना करके खेल रहे हैं 7 गेंदों में। 18वां ओवर पारी का चलता हुआ, दूसरी गेंद इस ओवर की डालने के लिए दौड़ लगाते हुए सैम करन, इयन मॉर्गन के लिए, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, छोटी गेंद जिसको उठा करके मारा है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑफ पे खड़े फील्डर के पास 2 टप्पे खाने के बाद ये गेंद पहुंची है। इस बार भी मात्र 1 ही रन मिलेगा, स्कोर हो जाएगा 116। स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ गए हैं डेविड मिलर। 2.2 ओवर की गेंदबाजी की है अभी तक सैम करन ने, मात्र 8 रन दिए हैं, शानदार गेंदबाजी उनके द्वारा रही है। तीसरी गेंद इस ओवर की डालने के लिए एक बार फिर से 4 अपने रनअप पर, सैम करन इस बार ये गेंद, छोटी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, बेहतरीन ड्राइव लगा दिया है कवर के क्षेत्र में, गैप में से निकलती हुई गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से दौड़ के गए, फील्डर ने डाइव लगाकर इस गेंद को रोक लिया है। जहाँ पे है रैंडी वेंदर दुसैन, उन्होंने इस गेंद को डाइव लगा करके रोका और 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इन 2 रनों के बाद स्कोर हो गया 118 रन रॉयल्स की टीम का 4 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया फील्डिंग वहाँ पे देखने को मिली। अगली गेंद इस ओवर की डालने के लिए एक बार फिर से तैयार अपने रन पर सैम करन। 3 गेंदें डाली इस ओवर में, 4 रन आए हैं अभी तक। अब चौथी गेंद इस ओवर की डालने के लिए दौड़ लगाते हुए सैम करन, इस बार ये गेंद फुलर लेंथ की गेंद को उठा करके मार दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गेंद हवा में है और जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। लंबा छक्का डेविड मिलर के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर की चौथी गेंद पर, जिसके बाद अब रॉयल्स का स्कोर बढ़कर हो गया 124 रन। वहीं पे मिलर की बात करें तो 28 गेंदों में 40 रनों पर पहुंच गए। क्या बढ़िया कप्तानी पारी खेल रहे हैं, रॉयल्स की टीम के कप्तान है डेविड मिलर और बढ़िया कप्तानी पारी खेल रहे हैं। यहाँ पे शानदार छक्का लगाया लॉन्ग ऑन की दिशा में पिछली गेंद पर। 2 गेंदें अभी भी बची इस ओवर की। सैम करन जो कि 2.4 ओवर की गेंदबाजी में 16 रन दे चुके हैं, सफलता उनको मिली नहीं है। 2 गेंदें अभी भी बची है उनके तीसरे ओवर की। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, गेंद थी स्लोवर गेंद थी, पॉइंट की तरफ खेला इस गेंद को, पॉइंट पर खड़े फील्डर ने डाइव लगाकर रोकने का प्रयास किया लेकिन रोक नहीं पाए, गति इतनी ज़्यादा थी नहीं जिसके चलते डीप कवर की तरफ से दौड़ के आए फील्डर ने इस गेंद को उठा करके थ्रो किया है। एक रन इस बीच दौड़ लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस एक रन के बाद स्कोर 125, 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर आ गए हैं इयन मॉर्गन, जो कि 4 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदों का सामना करने के बाद इस ओवर की आखिरी गेंद का करेंगे सामना। आखिरी गेंद डालने के लिए दौड़ लगाते हुए इस बार इस गेंद को उठा करके मारा है इयन मॉर्गन ने। गेंद इस बार भी जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। काफ़ी लंबा छक्का लगाया है इयन मॉर्गन ने, दूसरे टायर पे जाके गिरी है ये गेंद। लंबा छक्का इस बार निकला है इयन मॉर्गन के बल्ले से। इस ओवर से आए 17 रन। 18 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स का स्कोर हो गया 131 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है यहाँ पे। शानदार छक्का लगाया पिछली गेंद पर इयन मॉर्गन ने। लॉन्ग ओवर के क्षेत्र में 92 मीटर लंबा वो छक्का था। 18 ओवर के खेल के बाद स्कोर 131 रन है, 4 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल बचा इस मुकाबले की पहली पारी में। 2 ओवर में मात्र 6 रन दिए थे सैम करन ने। पहले ओवर में 1 रन दिया था, दूसरे ओवर में 5 रन दिए थे। अब इस तीसरे ओवर में 17 रन उनको पड़े हैं, तो 3 ओवर में 23 रन उन्होंने खर्चे हैं। अगला ओवर डालने के लिए बुलाया गया है जोफ्रा आर्चर को। 3 ओवर की गेंदबाजी की है जोफ्रा आर्चर ने, 25 रन दिए और एक सफलता उन्होंने भी अपने नाम की है। एक ओवर मेडन भी डाला है 3 ओवर में, तो 2 ओवर में इन्होंने भी काफ़ी रन खाए हैं एक ओवर मेडन डालने के बावजूद। देखना होगा अब इन दोनों ही गेंदबाजों के खिलाफ कितने और रन बटोर पाते हैं रॉयल्स के बल्लेबाज। गेंदों में 41 रन बना करके स्ट्राइक पर है इस ओवर की पहली गेंद पर। 19वें ओवर राउंड द विकेट आ रहे हैं जोफ्रा आर्चर। पहली गेंद मिलर के लिए स्लोवर गेंद थी, जिसको शॉर्ट सेटमैन की तरफ खेला है और मौज फिल्टर वहाँ पे मौजूद, लेकिन 1 रन तेजी के साथ दौड़ते हुए पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर हो गया बढ़कर 132 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 18.1 ओवर के खेल के बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आ गए हैं इयन मॉर्गन, जो कि 9 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर लोगों के क्षेत्र में एक शानदार लंबा छक्का लगाया था, 92 मीटर लंबा वो छक्का था। अब इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे। इस बार एक गेंद यू आर कर गेंद थी, इसको पॉइंट की तरफ खेल करके 1 रन दौड़ लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। बिल्कुल ब्लॉक होल में डाले हुए यू आर कर गेंद थी जोफ्रा आर्चर के द्वारा, लेकिन इस बार भी 1 रन दौड़ लिया है बल्लेबाज इयन मॉर्गन ने। अच्छे तरीके से इस गेंद को संभाला। स्कोर हो गया 133। स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ गए हैं डेविड मिलर। 42 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 30 गेंदों में कप्तान है रॉयल्स की टीम के। वहीं पर इस ओवर की अब तीसरी गेंद का सामना करेंगे। इस बार आर्चर की गेंद स्लोवर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, छोटी गेंद थी, कवर के क्षेत्र में उठा करके मारा, सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठे हैं। वहाँ पे फील्डर मौजूद थे कवर की दिशा में। बढ़िया ड्राइव जरूर लगाया था, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठे। एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पे रॉयल्स की टीम का। दूसरा विकेट निकाला है जोफ्रा आर्चर ने। 18.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद रॉयल्स का स्कोर 133 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, स्लोवर गेंद थी, उसको उठा करके मारा, कवर की दिशा में बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे। जॉर्ज लिंडे ने इस कैच को पकड़ा है और यहाँ पे एक अच्छी पारी समाप्त होती हुई डेविड मिलर की 42 रन बना करके आउट हो गए 31 गेंदों में। कप्तान भी है इस टीम के। अगले बल्लेबाज आ रहे हैं एडम्स। जितने भी दर्शक जुड़े हैं दोस्तों, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। एडम्स आए हैं अगले बल्लेबाजी करने के लिए। इस ओवर की चौथी गेंद का करेंगे सामना। दाएं हाथ के बल्लेबाज है। इनके T20 करियर की बात करें तो 84 मैचों में 765 रन इनके नाम है। 18.66 की एवरेज है, 118 का स्ट्राइक रेट है, एक बार 50 से ज़्यादा रन बनाए हैं। 33 वर्षीय बल्लेबाज है, ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी करते हैं। अगली गेंद इस ओवर की डालने के लिए दौड़ लगाते हुए जोफ्रा आर्चर ओवर द विकेट आए हैं। एडम्स ने इस गेंद को उठा करके मारा है, गेंद हवा में काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है और कवर की दिशा में खड़े फील्डर ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया है सर्कल के अंदर ही। एक और विकेट गिरता हुआ 6ठा विकेट गिरा है 19वें ओवर की चौथी गेंद पर। पिछली 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक विकेट झटक दिए यहाँ पे जोफ्रा आर्चर ने। 3 विकेट अपने नाम कर लिए हैं जोफ्रा आर्चर ने। इससे पहले 3 ओवर में 25 रन दिए थे और 1 विकेट अपने नाम किया था। वहीं पे एक मैडिन ओवर भी डाला है जोफ्रा आर्चर ने। अब 2 विकेट इस ओवर में निकाल लिए हैं पिछली 2 गेंदों पर। तो 7वां 6ठा झटका लगा यहाँ पे एडम्स के रूप में रॉयल्स की टीम को गेंदों का खेल और बचा है। हैट्रिक बॉल है, अगली गेंद इस ओवर की। जितने भी दर्शक जुड़े हैं दोस्तों, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बिजोन आ रहे हैं अगले बल्लेबाजी करने के लिए। इस ओवर की 5वीं गेंद का करेंगे सामना। इस बार ये गेंद यूआरकर लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, जिसको कवर के क्षेत्र में खेला बिजोन ने, रन मिलेगा नहीं। आखिरी गेंद बाकी इस ओवर की। इस ओवर में अभी तक मात्र 2 रन आए हैं और 2 विकेट भी निकाल लिए हैं जोफ्रा आर्चर ने। आखिरी ओवर है जोफ्रा आर्चर का। 3.5 ओवर की गेंदबाजी में 27 रन दिए हैं और 3 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। अब आखिरी गेंद अपने चौथे ओवर की डालने के लिए दौड़ लगाते हुए जोफ्रा आर्चर इस बार इस गेंद को खेल दिया है शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। वहाँ पर फील्डर मौजूद है, रन मिलेगा नहीं। डॉट बॉल के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई। 19 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स का स्कोर 133 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से आए मात्र 2 रन, बेहतरीन ओवर डाला जोफ्रा आर्चर ने। पारी का 19वां ओवर। अब 20वां ओवर डालने के लिए आएंगे सैम करन। 3 ओवर में सैम करन अभी तक 23 रन दे चुके हैं, उनको कोई सफलता मिली नहीं है इस मुकाबले में। पहले ओवर में सैम करन ने दिया था मात्र 1 रन, दूसरे ओवर में दिए थे 5 रन, उसके बाद तीसरे ओवर में उनके खिलाफ निकले थे 17 रन, जहाँ पे एक छक्का इयन मॉर्गन ने लगाया था और एक छक्का लगाया था डेविड मिलर ने। अब स्ट्राइक पर रहेंगे उनके आखिरी ओवर की पहली गेंद पर इयन मॉर्गन, जो कि 11 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। दस गेंदों का सामना करने के बाद अब सैम करन एक बार फिर से आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। 19 ओवर के खेल के बाद रॉयल्स का स्कोर 133 रन है 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी की 6 गेंदें बची है इस मुकाबले की पहली पारी की। अब यहाँ पे गेंदबाजी में बुलाया गया है सैम करन की जगह पर ओली स्टोन को बुलाया गया है दोस्तों। पहली गेंद ओली स्टोन की ऑफ स्टंप के बाहर यूआरकर लेंथ की गेंद थी, स्लोवर गेंद थी और बल्लेबाज को छोड़ती हुई चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल के साथ इस ओवर की शुरुआत की है ओली स्टोन ने। सैम करन को यहाँ पे गेंदबाजी थमाई नहीं, पिछले ओवर में 17 रन दिए थे और सैम करन ने, जिसके चलते अब उनके चौथे ओवर की जगह पे बुलाया गया है ओली स्टोन को। दूसरी गेंद इस ओवर की डालने के लिए दौड़ लगाते हुए इयन मॉर्गन के सामने ओली स्टोन। इस बार एक गेंद उठा करके मारा, इस गेंद को हवा में काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है कवर की दिशा में। फील्डर जब तक इस गेंद तक पहुंचते लॉन्ग ऑफ की दिशा से गेंद जमीन पर गिर चुकी थी, लेकिन इस बीच 2 रन दौड़ लिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों के बाद स्कोर हो गया 135 रन 6 विकेट के नुकसान पर। रॉयल्स का आखिरी की 4 गेंदें बची है। तीसरी गेंद इस ओवर की डालने के लिए दौड़ लगाते हुए ओली स्टोन। इस बार मॉर्गन ने इस गेंद को उठा करके मारा है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, एक टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार चौका इस ओवर की तीसरी गेंद पर निकलता हुआ मॉर्गन के बल्ले से। इन 4 रनों के बाद रॉयल्स का स्कोर जा पहुंचा 139 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी की 3 गेंदें बची है। क्या एक या दो बड़े हिट और लगा पाएंगे इयन मॉर्गन? 13 गेंदों में 17 रन बनाकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की 4थी गेंद डालने के लिए दौड़ लगाते हुए ओली स्टोन। इस बार ये गेंद मॉर्गन ने इस गेंद को खेल दिया है लो ऑन साइड में। मात्र 1 ही रन दौड़ पाएंगे इस बार दोनों ही बल्लेबाज। गेंदबाज ने खुद दौड़कर इस गेंद को उठा करके पकड़ा है, उठाया है और थ्रो किया विकेट कीपर के पास, तब तक मात्र 1 ही रन दौड़ पाए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर हो गया इस सिंगल के बाद 140 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 19.4 ओवर के खेल के बाद आखिरी की दो बंदे बची है इस पारी की। पांचवी गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बिजोर ने एक रन मिल जाएगा और इस एक रन के बाद स्कोर हो गया 141 रन। रॉयल्स की टीम का 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर आ गए हैं इयन मॉर्गन। इस ओवर की आखिरी गेंद का करेंगे सामना इयन मॉर्गन। इस बार गेंद को उठा करके मारा है, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद और बल्ले का संपर्क इतना अच्छा नहीं, जिसके चलते लोग पे खड़े खिलाड़ी ने अपने बाएं तरफ दौड़ते हुए इस गेंद को उठा करके थ्रो किया है। दूसरे रन के लिए दौड़ गए हैं दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन दूसरा रन पूरा नहीं कर पाएंगे, रन आउट हो जाएंगे इयन मॉर्गन। तो 20 ओवर के बाद रॉयल्स की टीम ने बनाए 142 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो पहली पारी समाप्त होती हुई इस मुकाबले की, जहाँ पे रॉयल्स की टीम ने 147 रन बनाए हैं 20 ओवर के खेल के बाद। तो यहाँ पे इनिंग का समय, ब्रेक का समय हो गया दोस्तों। मिलेंगे अब आप लोगों को दूसरी पारी के साथ।